बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की करते हैं। किसान यात्रा के दौरान राहुल ने कल मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इस यात्रा के दौरान राहुल तीसरी बार किसी मंदिर में पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने अयोध्या में हनुमानगढ़ी तो रुद्रपुर में नाथ बाबा के दर्शन किए थे। राहुल की शक्ति पूजा की तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। माथे पर तिलक और गले में लाल चुनरी लपेटे ये कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं। राहुल का ये अलग अंदाज यूपी के मिर्जापुर में दिखा। राहुल गांधी किसान यात्रा के लिए बुधवार को मिर्जापुर में थे। रोड शो के बाद वो सीधे विंध्याचल मंदिर पहुंचे और मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी विंध्याचल मंदिर में है, पीछे आप देख सकते हैं कि वो पूजा कर रहे हैं, चुनरी पहने हुए हैं, माला उनको पहनाया गया है, फल स्वरूप उनको शेप दिया गया है, प्लस कुछ पंडित हैं यहाँ पे जो उनको लगातार उनको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या चीज है। एक लाल रंग की किताब है जिसको उन्होंने खोल कर रखी है, राहुल गांधी भी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद राहुल ने कुछ देर तक मंदिर के पुजारियों से बातचीत की और इसके बाद उन्होंने विजिटर बुक पर अपना अनुभव लिखा